सेंटर में। सर आपकी ये पत्ता आ रहा है सर, थोड़ा सा तो नीचे कर लो। मेरे पीछे जगह नहीं है आपको कितनी? नहीं पीना सर, इसीलिए तो खड़ी हूँ यहाँ पे। क्यों किससे सीख रही है? अच्छा वीडियो बन गई है सर। अब शाहरुख सोलो, शाहरुख सोलो, सोलो शाहरुख सोलो, सोलो सोलो, सोलो सोलो, सोलो सोलो, सोलो शाहरुख सोलो। अरे पीछे तो आ जाओ यार, आप पीछे आ जाओ यार कौन? अरे यार पीछे आ जाओ ना। अरे सर कंपोजिशन बिगड़ जाएगी। टीवीआर हम फिर भी नहीं लेंगे भाई। टीवीआर हम फिर भी नहीं लेंगे। मोनू पीछे हो गया, मोनू पीछे हो गया। समीर सर धन्यवाद। शाहरुख सोलो सोलो, शाहरुख सोलो सोलो, सोलो 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 सोलो, शाहरुख सोलो, शाहरुख 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 सोलो, शाहरुख सिग्नेचर 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 शॉट सिग्नेचर। कि मुझे ये शुरुआत करनी है। इस वक्त मुंबई में कौन हीरो है जो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा है? और उनको मालूम पड़ा मैं कोई शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो फ्री टाइम इसके पास है, इसी को बुला लो, यही आ सकता है। आमिर बिजी है, सलमान बिजी है, ऋतिक और ज्यादा बिजी है इस वक्त, तो इसको बुला के काम करवा लेकिन निकालो। दिल्ली आ रहा है, मदर इन लॉ का बर्थडे ना भी नहीं कह पाएगा, ऐसी तारीफ कर रहे हैं मेरी। इसके इसके पीछे दूसरे वही रोज के पोस्टर्स लगे हैं। मैं नहीं आता सर, मैं देख सकती हूं सर आपका ही लगा हुआ है यहां पर पोस्टर। वैसे इंसिडेंटली ओम शांति ओम बहुत ही दिवाली रिलीज और दिवाली भी आ रही है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? हमारे साथ मनाओगे दिवाली? आई वुड लव टू एक्चुअली, बट हमारे मुंबई में ना बहुत दिवाली की बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, तो वहाँ जाना लाजमी है और वो एक कल्चर सा बन चुका है। So we have to attend all of them. So I have to rush back, but I'm here till Diwali happens. So I've got my little son here. So I'll take him around and show him how Diwali. Because मुझे ऐसा लगता है दिवाली और दशहरा जैसा दिल्ली में होता है और होली भी कहीं और नहीं होती, या फिर मेरा ये अपना लगाव है कि मुझे ऐसा लगता है। So I whenever I get an opportunity, तो अब अब्राहम की उम्र हो गई कि मैं उसको दिखाऊँ कि यहाँ दिवाली कैसे बनती है। And lastly, I want to ask you one question. Delhi, I know you've often spoke about going to Paranthe, Mool Chanda and having the Paranthas. But when you land in Delhi, which is that one memory that comes and then goes, like a flashback? Actually, I would like to tell you a fun thing, but then that's behaving like a star. So I'll tell you the truth. So मैं जब भी मुंबई में दिल्ली आने के लिए प्लेन में बैठता हूँ, चाहे आधे घंटे के लिए आ रहा हूँ, चाहे दो दिन के लिए आ रहा हूँ, मेरे दिल में सिर्फ ये बात आती है कि मेरे जो माई मॉम एंड डैड are here. So I go and visit their graveyard. I go there and at night, late at night. So I go there. For me that's whenever मुझे जब सब लोग बोलते हैं ऐसा कि अब यार दिल्ली वाला नहीं रहा, तो यार बम्बई में रहता है, मुंबई वाला हो गया. So I don't know how to express it, that as much as I can leave Delhi, Delhi can't leave me because my parents are here. And for me that is the biggest and the most the biggest memory for me is here, because once my mother passed away is when I went to Mumbai. So I always feel like kabhi-kabhi main naga kar deta hoon, lazy ho jata hoon, nahi jata hoon wahan pe, door se hi dua mang leta hoon, because parents will understand whether you meet them or not. I understand that my kids don't meet me very often now, so they'll understand that. But honestly, when I land in Delhi or whenever I'm roaming around, the only thing I get actually very nostalgic about is going and seeing them. Thank you so much, sir. Mr. Bijli, what is any of your association, any memory that comes to mind? Because it
शाहरुख मच्छर वगैरह काफी हो गए हैं पर आई थिंक इट्स आई मीन फॉर मी माय लिटिल नॉस्टैल्जिया इज दैट माय डैड गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू सिनेमा बिजनेस सो दिस देवर्स बाटला हाउस छिछोरे एंड मिशन मंगल दोज वर द वंस व्हिच प्लेड आउट एंड ऑल आई वुड वांट टू से हियर सो सिंस इट्स बीन a landmark and one can imagine this complex without this structure everybody wants to know what can we expect as I said you know because this is a property which is very iconic and 22 million people came about a million people were coming to the cinema for all four theaters na so yeah so it was very difficult to convince people that